देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, सास बहू और साजिश, ये सास बहू के बीच वाली साजिश की जो बात थी, इसको सबसे पहले भारत में सबसे पहले जिसने खोल कर सामने रख दिया वो थी एकता कपूर। एकता कपूर ने सास और बहू के बीच की साजिश का जो एंगल था उसको निकाल कर सामने रखा एकता कपूर। लेकिन चाचा और भतीजे के बीच की साजिश को जिसने निकाल कर सामने रखा वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव और इनके भतीजे अखिलेश यादव के बीच का जो झगड़ा है, जो कि उत्तर प्रदेश की नगरी में, उत्तर प्रदेश की हर सड़क पर, चौराहे पर, नुक्कड़ पर, गली में, मकान में, दुकान में जो चर्चा होती है, तो उसमें कहा जाता है कि चाचा और भतीजे के बीच की लड़ाई, भतीजे और चाचा के बीच की लड़ाई, एक जूनियर है तो एक सीनियर है, एक सीनियर है तो एक जूनियर है, और इन दोनों के बीच का जो झगड़ा है वो बहुत तगड़ा है। इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई है, इसकी शुरुआत कल से नहीं हुई है, बीते सोमवार से नहीं हुई है, बीते शुक्रवार से नहीं हुई है, इसकी शुरुआत हुई 2012 से। 2012 में पहले जुबानी जंग हुई, 2012 में पहले खिड़की दरवाजे बंद करके लड़ाई हुई, 2012 में नेताजी के सामने झगड़ा हुआ, लेकिन 2016-2017 में खुलेआम मंच पर हुआ। एक ने बोला कि आपके नेता झूठ बोल रहे हैं, एक ने धक्का दिया, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश ने देखा। लेकिन दोस्तों, आप अगर मुलायम सिंह यादव के बारे में जानते हैं, अगर आप नेताजी के बारे में जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि नेताजी ने जो करियर की शुरुआत की वो दरअसल कुछ और था। वो दंगल करते थे, दंगल पहलवान थे, मुलायम सिंह यादव पहलवान इटावा सैफई। अब सुनिए, दंगल में एक बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि इसको उठा के उसको पटक दीस और उसको उठा के इस तरफ पटक दीस, मतलब इसको कैसे पटका है, उसको कैसे पटका है और कैसे कैसे पटकना है, ये स्ट्रैटेजी होती है जो लोग दंगल करते हैं, जो लोग पहलवान। आप समझिए कि भतीजे साहब, जिनको कि अखिलेश यादव बोलते हैं, वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं अब तो, लेकिन एज आ भतीजा उन्होंने अपने चाचा को पटकने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव वो प्रसपा के लीडर हैं, लेकिन बाय फॉल्ट, नॉट डिफॉल्ट, बाय फॉल्ट वो समाजवादी पार्टी के विधायक, उन्होंने भी कोशिश की कि किस तरीके से भतीजे को पटकें। चाचा भतीजे एक दूसरे को पटक रहे थे और बाबा बुलडोजर वहां पर अपना बुलडोजर मेंटेनेंस पर जो देकर आए थे उसको वापस लेकर आ गए। लेकिन इस बीच एक और चीज, वो चीज ये हुई दर्शकों कि 2017 की वो तस्वीरें जो आज भी, अगर आज भी टीवी पर चला देंगे, अभी 3070 में जरूर चल रही होगी, अगर टीवी पर चल जाएगी, अगर स्क्रीन पर आपके आ जाएगी तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। आप कहेंगे हर घर का झगड़ा है, आप कहेंगे ये तो कावेंद्र आता है और भारत एट नाइन में कुछ भी बोलकर चला जाता है, लेकिन ये घर घर का झगड़ा है। ये घर घर का झगड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी, जो कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उत्तर प्रदेश में, विकास की बात करती है, तमाम तरीकों की बात करती है, तमाम बिरादरियों की बात करती है, संप्रदाय की बात करती है और अलग अलग तरीकों से ऐसी बात करती है कि ढूंढ ढूंढ कर, पकड़ पकड़ कर हर बेरोजगार को रोजगार ना देते, हर गरीब की थाली में खुद आटा चावल दाल ना डाल दे, ऐसी बातें करने वाली पार्टी, और उसके अंदर एक नेता है जो अपने ही चाचा को बार बार गच्चा दे रहा है। आप इसको समझिएगा, पार्टी के नेता के तौर पर बात करें तो अखिलेश यादव एक बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े, पार्टी के अध्यक्ष है भाई और नेता प्रतिपक्ष भी है, लेकिन अगर एक परिवार के एंगल से, कॉन्टेक्स्ट से अगर मैं बात करूं तो वो एक भतीजे है। भतीजे का मतलब समझ रहे हैं, वो एक घर के, अगर चाचा की नजर से देखूं तो बच्चे हैं। अब सवाल है कि आखिर बच्चा बार बार गच्चा क्यों दे रहा है और ये चाचा को बार बार गच्चा क्यों मिल रहा है और चाचा समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, चाचा बार बार, ये जो भतीजा चक्रव्यूह लेकर आ रहा है इसमें बार बार फंस रहे हैं, बार बार फंस रहे हैं, 2012 में फंसे, 2017 में फंसे, 2021 में फंसे और 2022 में फंस गए। आखिरी क्लाइमेक्स कब होगा? हर समाजवादी ये नहीं बता पा रहा है, ये उसके माइंड में क्लियर नहीं हो रहा है कि समाजवादी तो चाचा भी है, समाजवादी तो भतीजा भी है,
लेकिन कौन सा समाजवाद जो है वो असली है और कौन सा नकली है? आपको पता होगा कि मार्केट में एक असली चावल आता है, एक नकली चावल आता है, एक प्लास्टिक का चावल आता है और एक चावल आता है, एक धान वाला चावल आता है और एक तमाम तरीकों से बना व्हाइट सफेद चावल आता है। तो असली चावल कौन सा है और नकली चावल कौन सा है, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है, समाजवादी विचारधारा वाले, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। लेकिन चाचा और भतीजा, भतीजा और चाचा आज तक क्लियर नहीं कर पाए कि आखिर साथ हैं या नहीं है, हैं या नहीं है। 2022 की एक तस्वीर आप सबको याद होगी, नहीं याद होगी तो यहां पर पीसीआर बाजू में चला रहा है, उसको देखिए। इसमें चाचा साथ है, भतीजा साथ है, भतीजा साथ है और चाचा साथ है। और हो भी क्यों, अच्छी बात, तस्वीर भी अच्छी है कि चाचा भतीजे साथ है। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, जैसे ही चुनाव संपन्न हुए दोस्तों, जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट आए, चाचा घर चले गए, ठंडा पानी पिया, सो गए, लेकिन भतीजे ने लखनऊ में पार्टी दल की मीटिंग की, विधायक दल की मीटिंग की। और सोचिए, सोचिए कि उस विधायक दल की मीटिंग में चाचा को नहीं बुलाया, चाचा ने हर मीटिंग कैंसिल कर दी, हर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी, हर चीज चाचा ने कैंसिल कर दी, नया कुर्ता, नई लाल टोपी सब रेडी कर लिया चाचा ने, गाड़ी में तेल डलवा लिया चाचा ने, फुल करवा लिया, ड्राइवर से बोला लखनऊ जानी है। लेकिन सोचिए, चाचा को ना इनविटेशन मिला, ना कॉल मिली, ना तार मिली और ना ही कोई दूत आया उनको बताने कि लखनऊ चलो। चाचा ना लखनऊ जा पाए, ना कहीं जा पाए। अब चाचा, लोग कह रहे हैं कि चाचा इतने तो गऊ नहीं है कि ना तो पहुंच पाए लखनऊ और कहीं नहीं, तो चाचा के मन में क्या कुछ चल रहा है? सियासी रूप से अगर आप देखेंगे, सियासी रूप से, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो चाचा कम नहीं है, चाचा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये जो साइकिल आप देखते हैं ना समाजवादी पार्टी की, इसका एक एक बोल्ट, एक एक बोल्ट चाचा ने खुद कसा है। मुलायम सिंह यादव नेताजी इसके ऊपर बैठते थे, गद्दी पर विराजमान होते थे और साइकिल को चलाते थे। लेकिन अगर कहीं रास्ते में चैन उतर जाए तो शिवपाल सिंह यादव खुद चैन चढ़ाते थे, खुद बोल्ट कसते थे, नट कसते थे। ये वो शिवपाल सिंह यादव है, पार्टी को लीड करने वाले शिवपाल सिंह यादव हैं। पीडब्ल्यूडी सबसे बड़ा मंत्रालय संभालने वाले, एक तरीके से नंबर टू होता है शिवपाल सिंह यादव, एक लंबे वक्त तक रहे। 2012 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी जीती तब शिवपाल सिंह यादव का भी अहम रोल था, लेकिन उसके बाद उनका रोल काटा गया, उनका पूरा का पूरा रोल काट दिया भतीजे। लेकिन अब जब लगा कि भतीजा और चाचा, चाचा और भतीजा साथ साथ हैं, हाथ मिला रहे हैं, भतीजा पैर छू रहा है, चाचा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो चीजें शायद थोड़ी ठीक हो। लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। आज चाचा दर दर भटक रहे हैं और भटकते भटकते, क्योंकि भतीजे ने वहां लटका दिया था, इसलिए भटकते भटकते चाचा बीजेपी की तरफ, बीजेपी की गलियों में जाते नजर आ रहे हैं। ये वो गलियां हैं जहां कमल का फूल है, और ऐसा बताया जाता है कि जो इन गलियों में घुसा वो कमल की सुगंध लेकर ही वापस लौटा है। तो अब जब चाचा इन गलियों में घुस गए, ये बीजेपी वाली गलियों में घुस गए जहां हर तरफ कमल के फूल हैं, और उस कमल के फूल के आखिरी कोने में बैठे खुद अमित शाह हैं, जिनको कि हम जानते हैं क्या कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप भी जानते हैं, मुझे पता है कि आप जानते हैं। तो जिनको चाणक्य कहा जाता है, वो चाणक्य कमल का फूल लेकर बैठे, और कब वो पकड़ा दें ये कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। तो अब चीजों को समझना होगा बहुत इंपॉर्टेंट रूप से, कि 2022 में जब चाचा भतीजा एक साथ आए, तो जो बस चल रही थी, बस में जब आपने देखा होगा कि शिवपाल सिंह यादव जब बैठे हुए थे तो ऐसा लग रहा था, आप रेलगाड़ी देखिए, आपने रेलगाड़ी में जब कोई बिना टिकट के सफर करता है तो उसका मुंह टेढ़ा होता है। मुंह टेढ़ा इसलिए होता है कि डर के मारे होता है, कि टीटी देखो और मुंह टेढ़ा, टीटी लेफ्ट से आए तो मुंह राइट, टीटी राइट से आए तो मुंह लेफ्ट। मतलब बिना टिकट के यात्रा करने वाला व्यक्ति जो सहमा सहमा होता है। ऐसे ही जब समाजवादी पार्टी का रथ चल रहा था और उसमें जब पहली बार हमने तस्वीरें देखी कि शिवपाल सिंह यादव उसमें बैठे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बिना टिकट के इस रथ में बैठे हैं। चेहरा इतना ठंडा, इतना मायूस, लटका हुआ। और सोचिए उस रथ में दो सीट जो थी, बढ़िया बढ़िया गद्दे वाली जो दो सीटें थी, एक सीट पर बैठे थे पिताजी, नेताजी,
और दूसरी सीट पर बैठे थे भतीजे अखिलेश यादव, और चाचा को चाचा कभी हैंडल पर बैठे तो चाचा कभी पीछे खड़े हुए टिका के, तो चाचा की स्थिति वहां भी ठीक नहीं लग रही। लेकिन चाचा ने फिर भी कहा, लड्डू खाया और कहा कि जीतेंगे, मिठाई खाई और कहा जीतेंगे, जलेबी खाई और मीठी बात बोली, बोला जीतेंगे। लेकिन अब हार गए और चाचा वो ज्यादा हारे हुए मालूम चल रहे हैं, चाचा का एनर्जी लेवल लो है, कोई ग्लूकोंडी, कोई सियासत की ग्लूकोंडी आज की डेट में चाचा को ताकत नहीं दे पा रही। अब चाचा क्या कुछ करेंगे इसको लेकर बहुत चर्चा है, और इस चर्चा पर थोड़ा सा खर्चा हमारी टीम ने भी किया, एक पैकेज है, एक रिपोर्ट बनाई है, इस रिपोर्ट को देखेगा फिर आगे बढ़ेंगे। रिपोर्ट चलाएगा प्लीज। बुलावे की आस, चाचा फिर निराश, घर का बच्चा चाचा को दे गया गच्चा, लड़ लड़ चाचा गए पग, बीजेपी लेगी लपक, कठिन डगर चाचा लौटे जसवंत नगर, वो पुराने दिन वो सुहाने दिन, चाचा को याद आते हैं वो पुराने दिन, वो दिन जब चाचा के पास पीडब्ल्यूडी की कमान थी, मंत्री पद था, सरकार थी, अपनी चलती थी, लेकिन वक्त पलटा और भतीजे की बस में चाचा बेबस नजर आने लगे। कहानी की शुरुआत पुरानी है, लेकिन चाचा का दुख भी कोई नया नहीं है। 2017 में मंच पर तमाशा हुआ तो 2022 के चुनावों में बस में बैठे चाचा का तमाशा बन गया। 2022 में सपा के चुनावी रथ में बैठे चाचा के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे कि मानो बिना टिकट रथ पर सवार हैं। खैर, घर की बात थी और वो सुहानी रात थी, बात वहीं के वहीं निपट गई, कहानी आगे बढ़ी, चाचा और भतीजे ने बंपर वोटों के साथ जीत दर्ज की, लेकिन पार्टी हार गई। महीनों चले सियासी वार के बाद चाचा भतीजे दोनों अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन घर पहुंचे चाचा तो अभी भी भतीजे अखिलेश के निमंत्रण की आस में थे कि मीटिंग होगी, बुलाया जाएगा, लेकिन यहां भी उनके साथ चीटिंग हो गई। मीटिंग हुई, आगे की सेटिंग भी हुई, लेकिन चाचा को ना तो पत्र गया, ना फोन आया, ना बुलावा, बस फिर क्या था, चाचा ने इस बार अपमान का घूंट नहीं पिया, मुंह फुला लिया। क्या अब चाचा देंगे गच्चा? चाचा शिवपाल अब झुकेंगे नहीं, चाचा करेंगे साइन, अमित शाह ने मांगा टाइम, शिवपाल इतने भी नहीं गऊ, पलटेंगे सियासतें लखनऊ। चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश के रिश्तों को लेकर उठते सवालों के बीच ही जवाब भी छिपे हुए हैं। इतना ही नहीं, अगर चाचा भतीजे एक फोटो में साथ भी आए तो बेरुखी तस्वीरों में भी रिश्तों को ब्लर कर जाती हैं। शिवपाल यादव भतीजा अखिलेश वाली सपा से विधायक जरूर हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के रिश्ते सहज नहीं हैं। वे सपा विधायक दल की बैठक में ना बुलाए जाने से भी नाराज थे, और शायद हैं भी। चाचा शिवपाल कहते हैं कि मुझे बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैंने सपा के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने हमेशा कहा कि मुझे भी जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं उसके अनुसार काम करूंगा, लेकिन मुझे विधायक दल की बैठक के लिए नहीं बुलाया गया था, हालांकि मैं सपा का विधायक हूं। समाजवादी पार्टी से मैं विधायक हूं, और मैं दो दिन से यहाँ इसलिए भी रुका था कि समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक में रहूंगा, लेकिन सभी जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक उनको सूचना है, मुझको कोई सूचना नहीं दी गई, और जबकि मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा, साइकिल से चुनाव लड़ा, मुझे आज नहीं बुलाया गया, तो इसलिए मैं बैठक में नहीं गया। अब मैं सीधे अपने क्षेत्र जसवंत नगर में जा रहा हूं, तुरंत तो बैठक में निमंत्रण नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया। देखिए, मैंने पूरी तरह से समर्पित कर दिया था, और मैंने कहा था जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी मैं निभाऊंगा, लेकिन आज नहीं बुलाया गया तो नहीं जाऊंगा। मुझे कोई गिला नहीं, और मैं जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व समझे मुझे तो कोई गिला नहीं। अभी आपका अगला कदम क्या होगा? अभी मेरा कोई कहीं कुछ नहीं,
समय आएगा, बहुत समय है, और मैं इतना बस कहना चाहता हूं, मैं बैठेंगे नहीं, जनता के बीच जाऊंगा और अपने लोगों की, जितने भी हमारे लोग हमारे साथ रहे हैं, उनकी बैठक बहुत जल्दी बुलाएंगे, फैसला कोई नहीं लेगा। बदकही में तो शिवपाल यादव के सदन में नेता प्रतिपक्ष बनने की कयास लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हुआ तो यूं बहुत कुछ नहीं, चुनाव में आखिरी वक्त तक चाचा शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश का इंतजार करते रहे। क्लाइमेक्स से पहले भतीजा पहुंचा और खुद की पार्टी में जोड़ लिया, लेकिन टिकट ऐसे दिए गए जैसे एहसान किया जा रहा हो, और चाचा बर्दाश्त करते रहे। चाचा की करीबियों को टिकट तो क्या, मुलाकात का वक्त भी नहीं मिला, लेकिन अब लगता है कि बहुत हो चुका। चाचा शिवपाल अब कुछ कर गुजरने के मूड में है, ये तो वक्त ही बताएगा कि गृह मंत्री अमित शाह और शिवपाल यादव की मुलाकात में बनेगी बात, या अखिलेश यादव अब भी नहीं देंगे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दर्शकों, पैकेज खत्म, बात शुरू। बात ये शुरू हो गई कि आखिर ये चाचा शिवपाल सिंह यादव इतने रूठे रूठे क्यों है, रूठे रूठे क्यों है, रूठे रूठे। तो बात यह है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव नाराज क्यों है, बात यह है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव जिनकी पार्टी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो विधायक समाजवादी पार्टी से, ठीक है, तो जिससे विधायक हैं उसी पार्टी की तरफ चलते हैं, उनकी पार्टी विपक्ष में ऑपोजिशन में सबसे बड़ा रंग रूप धारण किए हैं, और अगर प्रसपा की भी बात करूं तो वो सपा के साथ ज्वाइंट में है, ज्वाइंट समझ रहे इसको, ज्वाइंट को ज्वाइंट में है। तो हम सबसे पहले आज ये बात करते हैं कि आखिर नाराज क्यों है चाचा, चाचा क्यों है रूठे रूठे। एक शादी में जैसे फूफा रूठ जाते हैं, वैसे चाचा सियासत में क्यों रूठे, क्यों मुंह फुलाए, तो कुछ बातों पर गौर करिएगा। अखिलेश यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई लेकिन चाचा को नहीं बुलाया, समझिए ये बिल्कुल वैसा ही है कि अखिलेश यादव शादी करें अपने बेटे की और चाचा को ना बुलाएं, तो चाचा रूठेंगे, स्वाभाविक। ऐसे ही चाचा ने अपनी जो रूठन है उसको जगजाहिर किया, बाकायदा कैमरों के सामने वो बोल दिए कि हम तो तैयार बैठे थे, बिल्कुल सूट बूट सब सिलवा के, बढ़िया तैयार करवा के, लाल टोपी का रंग रोगन करवा के, गाड़ी में पूरा तेल डलवा के तैयार बैठे थे, लेकिन भतीजे ने नहीं बुलाया, तो भतीजे से इस बात पे नाराज है। दूसरी चीज, साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा लेकिन साइकिल वाले विधायकों की बैठक में नहीं बुलाया, ये देखिए वही बात है, लेकिन एक्टिव वॉइस और ये है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में ये है कि साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था लेकिन साइकिल वाले जितने विधायक आए लेकिन चाचा नहीं आए, चाचा नहीं आए, आप सब जानते हैं। अब तीसरी बात, चुनाव से पहले घर आए अखिलेश, अब चाचा शिवपाल को फोन भी नहीं करते, बताइए चुनाव से पहले अखिलेश यादव चाचा के घर गए थे, फोटो खिंचवाई थी दोनों, और इतनी बढ़िया फोटो थी, शानदार, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। उस फोटो को थोड़े दिन तो फोन की गैलरी में भी रखा कि देखिए कितनी अच्छी फोटो है, चाचा है, भतीजा है, और उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े इतने बड़े दो महारथी एक साथ हैं। लेकिन बताइए चुनाव खत्म, अब घर जाना तो दूर, एक फोन नहीं आता, एक फोन नहीं आता। चाचा बैठे हैं फोन लिए, जैसे फिर हेरा फेरी मूवी में आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन पूरा का पूरा जो होता था वो उसको लेकर बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कब फोन आएगा, लेकिन फोन नहीं आता, तो इस बात को लेकर उठे हैं। इसके बाद चुनाव में बेटे को भी टिकट नहीं दिला पाए, इसका तो बड़ी टीस है भाई, चुनाव में अपने बेटे को भी टिकट नहीं दिला पाए थे शिवपाल सिंह यादव, बहुत कोशिश की, बहुत बातें की उन्होंने, लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं दी, तो ठीक है। इसके बाद गठबंधन में भी अखिलेश यादव ने चाचा को अब किनारे लगा दिया, इसको समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि गठबंधन जो था उसमें आपको मालूम है ना कौन कौन थे, आपको मालूम है, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको मालूम है कौन कौन थे गठबंधन में जो जो लोग थे उसमें, अब ये प्रसपा इसको किनारे लगा दिया अखिलेश यादव ने। इसके बाद नए सपा नेता भी शिवपाल यादव पर करते हैं टीका टिप्पणी, तो नए 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 नवेले जिन्होंने कल ही लाल टोपी पहनी है वो भी अब शिवपाल सिंह यादव पर टीका टिप्पणी कर देते हैं, वो भी इस तरीके के वाण छोड़ देते हैं, इस तरीके के शब्दों के वाणों से हमला करते हैं। इसके अलावा खुद की बनाई साइकिल में अखिलेश यादव को बैठने भी नहीं दे रहे, बताइए भाई बताइए, अखिलेश यादव ने जिस साइकिल को बनाया, अखिलेश यादव ने जिस साइकिल में नट लगाए, अखिलेश यादव ने जो साइकिल अगर पंचर हुई तो उसका पंचर भी खुद जोड़ा शिवपाल सिंह यादव, लेकिन आज अखिलेश यादव उस साइकिल को अपने घर ले गए, डेंट पेंट कराया उसका, उसको नई सपा की साइकिल बता दिया, और आज शिवपाल सिंह यादव उस साइकिल पर बैठ भी नहीं पा रहे, सोचिए बहुत बहुत चिंतित है ये, बहुत चिंतित करती है चीजें। अब हम आपको बताते हैं
कि आखिर इस लड़ाई की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हुई इस लड़ाई की शुरुआत, इसको बताएंगे। इसके लिए एक छोटा सा पैकेज है कि ये लड़ाई कैसे शुरू हुई और कहां पर आकर खत्म हुई। ये पैकेज ऑन द स्क्रीन प्लीज। अखिलेश ने साल 2000 में कन्नौज की लोकसभा सीट के उपचुनाव को जीतकर अपने चुनावी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इसके बाद साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में भी अखिलेश यादव इसी सीट से जीते। साल 2009 में अखिलेश को शिवपाल की जगह समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यह वो मौका था जहां से अखिलेश का पार्टी में कद बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। शिवपाल अखिलेश की सरकार में मंत्री बने थे। ये दोनों ही नेता मुलायम की विरासत को आगे संभालने की रेस में थे और अखिलेश की राजनीति में एंट्री के बाद साफ तौर पर वह ही इस रेस के विजेता के तौर पर उभरते दिख रहे थे। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई साल 2016 में गहराने लगी और खुलकर सामने भी आने लगी। इस लड़ाई में अखिलेश ने ना सिर्फ शिवपाल के पर कतरे थे बल्कि उनके विश्वास पात्र मंत्रियों को भी बर्खास्त किया था। वहीं शिवपाल ने भी अखिलेश की मर्जी के खिलाफ जाकर कुछ कदम उठाए थे। चलिए दोनों के विवाद की बड़ी वजहों पर एक नजर दौड़ाते हैं। अखिलेश की मर्जी के खिलाफ शिवपाल ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार की पार्टी कौमी एकता दल का सपा में विलय करा दिया। शिवपाल ने इस विलय का औपचारिक ऐलान करते हुए कहा था कि इससे समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। उधर इस विलय की घोषणा के बाद अखिलेश यादव ने वरिष्ठ मंत्री बलराम यादव को बर्खास्त कर दिया जिन्होंने विलय में अहम भूमिका निभाई थी। इस लड़ाई में आखिर में अखिलेश की जीत हुई जब समाजवादी पार्टी ने कौमी एकता दल के विलय को रद्द कर दिया। यह जून 2016 की घटना थी। सितंबर 2016 में अखिलेश ने शिवपाल के करीबी माने जाने वाले मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटा दिया था। इसे भी अखिलेश और शिवपाल के बीच विवाद की एक कड़ी के तौर पर देखा जाता है। इन दोनों के बीच का विवाद जब सार्वजनिक हो रहा था तभी मुलायम सिंह ने अखिलेश को हटाकर शिवपाल को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद अखिलेश ने शिवपाल से अपनी सरकार के अहम विभाग ले लिए। ऐसे में शिवपाल जब अखिलेश सरकार में पूरी तरह ताकत विहीन नजर आने लगे तो उन्होंने कैबिनेट और पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी अखिलेश और शिवपाल के बीच विवाद की खबरें सुर्खियां बनी थीं। सियासी वर्चस्व की लड़ाई में शिवपाल तब भी पिछड़ गए जब साल 2017 शुरू होते ही औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आ गई, यानी अखिलेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। मुलायम सिंह कई बार इन दोनों के विवाद को खत्म करने की कोशिश में दिखे थे मगर उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में सपा महज 47 सीटों पर सिमट गई जिसने पिछले चुनाव में 224 सीटें जीती थी। माना जाता है कि सपा के इस खराब प्रदर्शन की एक वजह अखिलेश और शिवपाल की लड़ाई भी बनी थी। खासकर इटावा, कन्नौज, मैनपुरी और औरैया जैसे जिलों में जहां सपा मजबूत मानी जाती है। कहा जाता है कि शिवपाल ने नाराजगी के चलते अपनी सीट के अलावा बाकी सीटों पर भी एसपी को जिताने के लिए जोर नहीं लगाया था। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल एसपी के टिकट पर ही जसवंत नगर से जीते थे। शिवपाल ने चुनाव के दौरान ही ऐलान किया था कि वह नतीजों के बाद नई पार्टी बनाएंगे। शिवपाल ने पहले अपना फ्रंट समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाया, फिर 2018 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवपाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद दावा किया था अगर अखिलेश मेरा समर्थन करते तो कम से कम 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव जीत जाते। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल फिरोजाबाद सीट से लड़े थे। वह खुद तो नहीं जीत सके लेकिन नतीजों के आंकड़ों के आधार पर माना जाता है कि उनकी वजह से एसपी सीट हार गई।
दरअसल यह सीट बीजेपी की हो गई थी। बीजेपी और एसपी को मिले वोटों का अंतर 28,781 था, वहीं शिवपाल को 91,870 वोट मिले थे। इन सब के बाद 2022 से पहले सीधे तौर पर ये बातें हर जगह फैलने लगी कि सपा अपने साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मिला लेगी, और आखिर में हुआ भी ये। लगा कि चाचा और भतीजे के बीच सब कुछ सामान्य हो चुका है, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सब कुछ एक बार फिर फैलता हुआ ही नजर आ रहा है। अभी भी सब कुछ नहीं सुलझा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो दोस्तों, आज जिस बात पर भारत एट नाइन में हम बात कर रहे थे, ये कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का भविष्य तय करेगी। आज रथ के ऊपर सबसे टॉप पर जो खड़े होते थे जयंत चौधरी साहब, वो आपको बताए कहां है? जयंत चौधरी आइसक्रीम खा रहे हैं, अखिलेश यादव यहां टेंशन में है और वहां पर जयंत चौधरी आइसक्रीम खा रहे हैं। तो सोचिए, रथ में सबसे टॉप पर थे जयंत चौधरी, आज आइसक्रीम खा रहे हैं। दूसरी तरफ है ओपी राजभर। ओपी राजभर का तो लोग ये कह रहे हैं कि उनका को तो कुछ पता ही नहीं है, रात के 2 बजे कहीं बीजेपी ना चले जाएं, उनका भी कोई क्लियर नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका भी कुछ पता नहीं कि कब इधर कब उधर, अब बचे जो सबसे, जिनको पूरा भविष्य पर आप निष्ठा कर सकते, मतलब भविष्य में उन पर पूरा भरोसा कर सकते थे, वो थे चाचा। लेकिन भतीजे ने चाचा को भी गच्चा दे दिया। अब बताइए, घर का बच्चा चाचा को गच्चा दे गया, और अब मुझे लग रहा है ऐसा, और आपको भी लग रहा है ऐसा, कि इस बार चाचा फुल एंड फाइनल के मूड में, एफएनएफ होता है ना, एफएनएफ, तो चाचा इस बार एफएनएफ के मूड में है। और चाचा अगर एफएनएफ करेंगे तो कुछ ना कुछ, लिटिल और स्मॉल, कुछ भी आप लिटिल भी मान सकते हैं, लिटिल मतलब अलग टाइप से, स्मॉल मतलब अलग टाइप से, कुछ ना कुछ तो भतीजे को नुकसान पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे। तो अगर चाचा ने, जिस रथ में चाचा को बिना टिकट के बैठा दिया था, अगर चाचा टिकट लेकर बीजेपी के रथ में बैठ गए, तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। जो झंडा लहराता है सपा का, वो थोड़ा कम लहराएगा, कम, लेकिन ये सब कुछ आने वाला समय बताएगा। मीटिंग की बार बार खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, लगातार आपको बता दूं कि आज सुबह से ही लगातार खबरें आ रही थी कि अब मीटिंग हुई, लेकिन शायद यहां भी कुछ चीटिंग हुई है, अभी तक मीटिंग हुई नहीं। तो इसको लेकर कब मीटिंग होगी, और अमित शाह की मीटिंग, आप समझते हैं अमित शाह ने जिसके साथ मीटिंग की, वो व्यक्ति मीटिंग खत्म होने के बाद अमित शाह के गुणगान करता हुआ नजर आया। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ जैसे ही मीटिंग होगी शिवपाल की, उसके बाद क्या शिवपाल लाल टोपी लगाएंगे, या फिर अब शिवपाल सिंह यादव गमछा पहनेंगे, और बीजेपी का गमछा आप जानते हैं कौन से रंग का होता है, तो अब शिवपाल सिंह यादव टोपी लगाएंगे या गमछा लगाएंगे, यह आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा। शुक्रिया।